वहीं तुनिशा मामले में शिजान के परिवार का बयान सामने आया है। तुनिशा मेरी बेटी जैसी है, शिजान की मां ने कहा है। तुनिशा के परिवार के आरोप झूठे हैं, तो इस मामले में भी अब नया मोड़ ले लिया है। और जो परिवार वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि तुनिशा बेटी जैसी है, इस तरह का कृत्य क्यों किया जाएगा उसमें। तो तुनिशा मौत मिस्ट्री में फिलहाल नए नए मोड़ दिखाई दे रहे हैं और शिजान के परिवार का बयान इसमें सामने आया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि तुनिशा उनके लिए बेटी जैसी थी और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर और उनके परिवार पर, वो पूरी तरीके से गलत है। तुनिशा सुसाइड केस में शिजान के परिवार ने अपना पक्ष रखा है, जिसमें शिजान के परिवार ने सभी आरोपों को झूठा बताया। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहना है शिजान के परिवार का। ये पूरे प्रकरण में ये कहा गया है कि ये लव जिहाद का मसला है जो पुलिस ने डे वन से खारिज किया है। लव जिहाद का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा आरोप लगाया गया है कि तुनिशा को हिजाब पहनाते थे, उर्दू सिखाते थे। जहां तक हिजाब का सवाल है, आप 21st एपिसोड देख लीजिए, अलादीन दास्ताए काबुल का, अली बाबा दास्ताए काबुल का 21st एपिसोड का जो कॉस्ट्यूम है वो गणेश चतुर्थी के समय शूट हुआ था। वो कॉस्ट्यूम का फोटो सेट पे गणपति पूजा हुई थी, जहां पे ये गणपति पूजा में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। मेरा उससे बड़ी बहन का रिश्ता था, उसको तकलीफ में हम नहीं देख सकते थे किसी भी कीमत पर, उसमें चाहे शिजान हो, चाहे मैं हूं या मेरी मदर हूं। हिजाब, दरगाह, ये कहीं से कहीं तक उठता ही नहीं सवाल, क्योंकि हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना।